सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था कि मेरी डिलीवरी हो गई है और सी सेक्शन के थ्रू हुई है, तो टांके जो हैं उसकी केयर कैसे रखनी है उसके ऊपर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। इसके लिए सी सेक्शन टांके जो हैं, सी सेक्शन के जो स्टिचेस हैं वो सबसे पहली चीज़ कि आपको 7 डेज तक रहते ही हैं, किसी के 5 दिन में भी कट जाते हैं, डिपेंड्स कि आपका किस टाइप का स्टिच है और कितनी स्पीड से आपकी जो हीलिंग है वो हो रही है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो मेरी जब फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो 5 दिन में मेरे टांके कट गए थे, बट अभी सेकेंड डिलीवरी में 7 दिन पर टांके कटे, वो भी पूरे नहीं कटे, 2 या 3 टांके छोड़ दिए थे, वो 10 दिन के मतलब टोटल 10 दिन लग गए पूरे स्टिचेस हटने में। तो ये डिपेंड करता है आपका भी। तो यश जो है वो जब भी मैं वीडियो का कुछ काम करती तो उठ ही जाते हैं, तो अभी फिर से इनको सुला के आई थी बट ये उठ गए हैं। एनीवेज हाँ, तो मैं टांकों की बात कर रही थी, तो वो एक तो ये हो गया कि रिमूव कब होंगे, दूसरा दूसरा कि इसका ख्याल कैसे रखना है ये। तो वो जो आपका स्टिच वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर एक बैंडेज लगा करके देते हैं डॉक्टर्स, तो वहाँ ऊपर से तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आपको ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा उस पर जोर ना पड़े, बहुत धीरे से साइड होकर के आपको उठना होता है जब आप लेटे हुए हैं, तो अपना करवट लीजिए एंड देन फिर धीरे से उठिए ताकि वहाँ पर जोर ना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाँके हील नहीं होते तो खुलने का डर रहता है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एकदम जोर ना पड़े, एकदम धीरे धीरे मूव करें और जितना हो सके उतना कम आप मूव करें, ज़्यादातर अगर मतलब लेटने की सुविधा हो तो आप लेटे रहे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड दूसरी चीज़ कि जब बैठते हो ना तो आलती पालती मारकर नहीं बैठना, मतलब क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं बैठना है, पैर जो हैं दोनों वो स्ट्रेट करके रखना है एंड पीछे से सपोर्ट लेकर के आप बैठ सकते हो। जब फीड वगैरह कराना है तो उसके लिए बैठना ही पड़ता है, या वैसे भी अगर बैठना है तो स्ट्रेट ऐसे मतलब थोड़ा सा टेका लेकर के आप बैठ सकते हो। पैरों को आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस लेग नहीं करना है जब तक आपके टांके नहीं हट जाते हैं, एटलीस्ट तब तक। एंड पानी वगैरह नहीं डालना है। नहाने का किसी ने पूछा था, तो यार मैं तो नहा ही नहीं थी जब तक मेरे टांके रिमूव नहीं हुए थे, फर्स्ट में भी डॉक्टर ने ही मना किया था, तो क्योंकि पानी वगैरह अगर वहाँ पड़ता है तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो इसलिए नहाने का तो नहीं, बट हाँ जैसे पैर वगैरह पे जाकर के पानी डाल लिया, हाँ तो मतलब प्रॉपरली नहाना, जो बोलते हैं ना कि शावर के नीचे खड़े होकर आप आराम से नहा रहे हो, वैसा नहीं करना है। तो जो वैसा एरिया है बस ऐसे करके यहाँ से पानी डाल के कर लिया, इधर से कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली नहाने का तो नहीं हो पाया था। और शुरू में हमारे यहाँ 6 दिन नहाते भी नहीं है, 6ठी के बाद ही नहाया जाता है, तो वैसा है, तो आप भी 6 दिन आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से रिचुअल सबके ही मैंने सुना है कि होता है, तो अगर फिर भी नहाना है, आपको लगता है कि नहाना है, आपके घर में अलाउड है नहाना, तो आप इस तरीके से नहा सकते हो। वो एरिया जो है वहाँ पर आपको पानी वगैरह नहीं डालना है, और मतलब ऐसा भी नहीं कि उसको कवर करके नहा लो, वो भी सही नहीं है। तो बेसिकली आप स्पॉन्जिंग कर सकते हो, कपड़े से अपने आप को पोंछ सकते हो, या फिर इस तरीके से नहा सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया, पैर वगैरह पर पानी डाल लिया, हाथ पर पानी डाल लिया, और ये वाला एरिया है जो इसको वाइप कर लिया, तो वेट वाइप से उससे भी कर सकते हो या फिर कपड़ा गीला करके उससे कर सकते हो। और स्पेशली आपका ब्रेस्ट एरिया जो है इसको तो क्लीन करना ज़रूरी ही है, तो गर्म पानी में टॉल जो है उसको गीला करके निचोड़ के थोड़ा सा आप पोंछ लेंगे, तो उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो क्लीनिंग भी हो जाएगी और थोड़ा गर्म रहेगा तो डिसइनफेक्ट भी हो जाएगा वो एरिया, क्योंकि बच्चा फीड करता है, तो उसके हिसाब से। और इनर गारमेंट्स आप चेंज करते रहिए, वो ज़रूरी है, नहाए या ना नहाए लेकिन गारमेंट्स चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से स्टिचेस का आप ध्यान रख सकते हैं, और स्टिचेस जब हट जाते हैं, जब टांके काट दिए जाते हैं, डॉक्टर काट देते हैं, देन फिर वहाँ पर आपको ड्राइनेस बना करके रखनी होती है, नहा आप सकते हो बट अच्छे से उस एरिया को ड्राई करके, और वहाँ पर आपको ना एक ऑइंटमेंट मिलता है सोफ्रामाइसिन टाइप का, जो भी ऑइंटमेंट डॉक्टर देंगे आपको, वो ऑइंटमेंट देंगे तो वो आपको लगाना होता है वहाँ पर। पता नहीं, मुझे ऐसा याद है कि फर्स्ट डिलीवरी में कुछ पाउडर जैसा दिया था डॉक्टर ने, इस बार डॉक्टर ने क्रीम दी है, तो मतलब क्रीम का तो बता ही दिया मैंने आपको, अगर पाउडर भी कुछ रहता है हील करने का ही रहता है, तो अगर वो देते हैं तो वो लगाना है, जो भी आपको डॉक्टर देंगे वो आपको लगाना है। और 15 दिन तक तो एकदम ही ख्याल रखना है, 15 दिन में वो एकदम से स्किन जो है ना वहाँ की ड्राई सी होने लगती है, जैसे वुंड या कोई घाव जैसे सही होने लगता है, तो नहीं सूखी सूखी सी स्किन हो जाती है, वैसा जब होने लग जाए तो इट मीन्स कि ऊपर से हीलिंग जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है, अंदर से हीलिंग जो है वो आपकी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो एटलीस्ट 40 डेज तक आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी वेट लिफ्टिंग मतलब सामान वामान ना उठाएं, भारी चीज़, कोई भारी चीज़ का मतलब कि जितना आपका बेबी का वेट है ना उससे आपको कुछ नहीं उठाना है, उतना तक आप उठा सकते हो। तो बेसिकली
3-4 kg तक आप कुछ भी सामान जो है वो उठा सकते हो, वो भी जब ज़रूरी हो तो। झुकना नहीं है और एकदम झटके से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या कहीं पे भी चढ़ना उतरना ये काम नहीं है। एटलीस्ट 40 days तक आपको ध्यान रखना ही है और अगर पॉसिबल हो तो 3 महीने तक कम से कम आप ध्यान रखिए। तो उससे क्या होता है कि एकदम 100% आपकी हीलिंग जो है वो हो जाती है। जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो मेरा हीलिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से हो गया था, इस बार का तो मुझे मालूम नहीं है। बट अभी जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो अंदर से मेरा जो मतलब ये रहता है ना स्टिचेस वगैरह जहाँ से कट वगैरह लगा रहता है वो इतने अच्छे से हील हो गया था। डॉक्टर डिस्कस कर रहे थे कि बहुत अच्छे से हीलिंग हुई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है अंदर से। तो वो उसका रीज़न यही है कि आप प्रिकॉशंस जितना रख सके, देखिए सिचुएशन की भी बात होती है कि आप कितना प्रिकॉशन रख सकते हैं। उस टाइम पर मेरा एक मतलब फर्स्ट बेबी था तो मेरे पास उतनी लाइबिलिटीज़ नहीं थी, बट अभी मेरे पास काम भी ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा है क्योंकि आरफ का भी स्कूल वगैरह सब कुछ है। तो मुझे नहीं मालूम मैं कितना क्या कर पाऊँगी, बट जितना बेस्ट पॉसिबल हो उतना आप प्रिकॉशन रखें तो हीलिंग अच्छे से हो जाती है। और एक बार आपका ये फेज़ निकल गया तो फिर उसके बाद लाइफ में आगे चलकर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, अदरवाइज़ अभी से ही प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। और बेल्ट भी लगाते रहिए जिससे कि आपको बैक पेन का इशू ना हो, बहुत इफ़ेक्टिव होता है बेल्ट लगाना एटलीस्ट बैक पेन में। पेट आपका कितना कम होगा नहीं होगा वो उसकी गारंटी नहीं होती है, बट बैक पेन आपका बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा कि पॉस्चर, क्योंकि इतना शुरू बेबी रहता है उसको फीड कराना और हमेशा ऐसे करके वैसे करके फीड कराने में छोटे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए आपका पोस्चर जो है ना वो उतना अच्छे से नहीं होता और आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा क्या बोलूँ मैं मतलब रिलैक्स्ड नहीं होती है कि आप फट से स्ट्रेट पोस्चर में आप बैठ भी रहे हैं तो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, चल रहे हैं तो भी थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, तो उस वजह से भी आपको शोल्डर या फिर बैक में पेन हो सकता है। तो अगर आप बेल्ट लगा रहे हो फिर भी पेन हो रहा है, बेरेबल पेन हो रहा है, तो घबराइए मत, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी, स्ट्रेंथ आएगी बॉडी में, आप पोस्चर अपना अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे तो फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। अच्छा तो इसलिए उसकी टेंशन मत लीजिए, अपना ख्याल रखिए। और जो मैंने हर्बल मिक्स और लड्डू वगैरह की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है वो बना करके खाइए। अभी सर्दियां भी आ रही हैं तो अगर अभी तक आपने नहीं खाया तो अब से भी खाइए, वो हीलिंग में और क्लीनिंग में, अंदर की जो क्लीनिंग होती है वो सब करने में बहुत हेल्प करता है। उनमें कुछ कुछ हर्ब्स ऐसे डले हुए हैं जो कि आपको ये सारी जो आपकी हड्डियाँ उनको मजबूत करेंगे, अंदर जो भी यू नो टीयर हो जाती हैं टिश्यूज़ वगैरह वो सब कुछ हील हो जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ें भी खाइए आराम से और बस अपना ख्याल रखिए। और यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाहती हूँ, शॉर्ट में यही है जो अभी आपके काम आ जाएगा। बाकी इसके ऊपर पूरा अच्छे से एक डिटेल वीडियो टाइम मिलते ही मैं बनाऊंगी। जिन लोगों की डिलीवरी 1-2 महीने बाद है उन लोगों के लिए वो वीडियो काफ़ी काम आएगा क्योंकि उसमें मैं अच्छे से सब कुछ और भी चीज़ें बता दूंगी। बट ये जिनकी अभी डिलीवरी हो गई है या 15-20 दिन बाद है तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो बस यहीं पर आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी डिलीवरी कब हुई, कैसा चल रहा है, आपके स्टिचेस वगैरह वो सब कुछ मुझे कमेंट करके बताना। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। और हम लोग जा रहे हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Bye.